नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में बेजुबान पर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। युवक से ने लाठी से कुत्ते पर हमला कर दिया। अधमरा करने के बाद पत्थर से सिर पर हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हजीरा थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां बेजुबान पर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। युवक ने लाठी से श्वान पर हमला किया। अधमरा करने के बाद पत्थर से सिर पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हजीरा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर से आपको यह पूरा मामला बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि बेजुबान पर दर्दनाक हमला किया गया, जहां बेजुबान पर पत्थर से प्रसिद्ध तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां बेजुबान को किस तरह पीटा जा रहा है। ग्वालियर से आपको यह खबर बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, वो आपको साधना ने उसकी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां बेजुबान पर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। युवक ने लाठी से कुत्ते पर हमला किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले मामले की पूरी जानकारी, कब का मामला है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां श्वान पर युवक हम बेरहमी से हमला करती नजर आ रहा है। बिल्कुल, सब मैं वो बताना चाहूंगा, ये ग्वालियर के जो हजीरा थाना क्षेत्र है, वहाँ चार के नाके में 5 नंबर लाइन के पास की जो घटना है, जहाँ पर एक युवक द्वारा कुत्ते पर जो इस तरीके से बार पे बार किए जा रहे हैं, जिससे कि कुत्ते की हालत काफी गंभीर है। इसको इस मुद्दे की जानकारी जब मीडिया में आई, जब सोशल जो एनिमल लवर की टीम है, जिनके द्वारा इस वीडियो को हम तक और सोशल मीडिया वायरल किया गया, जिसके बाद अभी थाना प्रभारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल एनजीओ की जो टीम है, पूरी एनिमल लवर की टीम है, जो कि पूरी मेहनत कर रही है और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द FIR की मांग कर रही है। जी बिल्कुल कमल, ऐसे में एनिमल्स प्रेमी जो जानवर के लवर होते हैं, उनका ही नहीं, कोई भी आम इंसान इस वीडियो को देखेगा तो इंसानियत यहाँ पर खराब दिखाई दे रही, खराब स्थिति में दिखाई दे रही है। आगे पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जब थाना प्रभारी जो कि मनीष धाकड़ है, उनसे बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी इनके जो आरोपी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं आया। ये एनिमल्स की टीम अभी अभी उनके पास पहुंची हुई थी, जिस पर उन्होंने आवेदन लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जी बिल्कुल कमल, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां बेजुबान पर थर्ड डिग्री टॉर्चर का पूरा मामला है। युवक ने लाठी से कुत्ते पर वार किया। अधमरा करने के बाद भी पत्थर से सिर पर हमला कर दिया।